आज 10 मुहर्रमुल हराम गुजरी है, अभी 11 मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुकी है और 10 मुहर्रमुल हराम को नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना हुसैन इबन अली रजी अल्लाह अन्हुमा की तारीख शहादत है। अपने रुफका के साथ, अपने साथियों के साथ जाम शहादत नोश करते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला का मकाम और मर्तबा जिससे हर मुसलमान वाकिफ है कि हुसैन खून रसूल है, हुसैन को घुट्टी नबी ने दी, चलना नबी ने सिखाया, कान में आजान देना नबी ने दी, हुसैन को उंगली पकड़ के चलना नबी ने सिखाया और तारीख में लिखा है कि हजरत हसनैन की टोर बड़ी प्यारी थी, चलते बड़े प्यारे थे, यानी जैसे कभी ये आपने रक्षों और गाड़ियों ट्रकों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा टोर चकोर दी, क्योंकि चकोर चलता बड़ा प्यारा है। तो हजरत हसनैन के बारे में आता है कि वो चलते बड़े प्यारे थे, उनकी टोर बड़ी प्यारी थी, जो देखता था तो कहता था यार कितना प्यारे अंदाज में चल रहे हैं, इनकी टोर बड़ी प्यारी है। मैंने कहा प्यारी क्यों ना हो कि उंगली पकड़ के चलना नबी ने सिखाया है, उंगली पकड़ के चलना नबी ने, तो इसलिए हुसैन और हसन अगर चलते हैं तो ये चलते हैं और जहां जाते हैं प्यारे लगते हैं, वो अगर बाजार की तरफ जाएं तो तब भी प्यारे लगें, वो अगर मस्जिद की तरफ जाते हैं तो तब भी प्यारे लगें, वो अगर अपने काम से किसी के घर जाएं तो तब भी प्यारे लगते हैं, अगर हुसैन करबला की तरफ जाए तो तब भी प्यारा लगता है। भाई क्यों ना प्यारे लगे कि चलना, बोलो। मैंने 5-6 मिनट सिर्फ आपको पहले चेक करना है मैं किस नौयत का बयान करूं, कि होम्योपैथिक अंदाज का करूं या एलोपैथिक या हिकमत की दवाइयां दूं, ये आप पर मुनहसर है। तो हसन और हुसैन की टोर बड़ी प्यारी है। मैंने कहा क्यों ना प्यारी हो कि उंगली पकड़ के चलना नबी ने सिखाया, ये बड़े प्यारे लगते हैं, चलते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, ये मस्जिद की तरफ जाएं तो बड़े प्यारे लगते हैं, बाजार की तरफ जाएं तो बड़े प्यारे लगते हैं, अगर हुसैन करबला की तरफ जाएं तो प्यारे लगते हैं, हुसैन अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं तो प्यारे लगते हैं, हुसैन मक्का और मदीना की गलियों में हसनैन अगर चलते हैं तो ये बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने कहा भाई क्यों ना प्यारे लगे कि चलना नबी ने सिखाया है। जरा पूछ आज जो नाम का हुसैनी बना हुआ है उससे पूछ हुसैन चलता है तो प्यारा लगता है या नहीं, कहता है बड़ा प्यारा लगता है। तो पूछ जरा वो जहां भी जाए तो प्यारे लगते हैं, कहेगा क्यों नहीं प्यारे लगते, वो क्योंकि प्यारे इसलिए लगते हैं कि उनको चलना नबी ने सिखाया है। अब जब चलना नबी ने सिखाया है तो हसन और हुसैन डगमगा नहीं सकते, गुमराह नहीं हो सकते, गलत रास्ते पे नहीं चल सकते, उनकी ये टोर बड़ी प्यारी लगती है। उससे पूछ वो कहेगा हाँ जी बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन तू कहना हम अहले सुन्नत को तो हुसैन और हसन हर जगह चलते हुए प्यारे लगते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है कि तुझे वो दोनों भी अच्छे नहीं लगते, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो प्यारे लगते हैं। तो कहा कि फिर कहना कि फिर हिम्मत करके बोल हुसैन करबला की तरफ जाए तो प्यारा लगता है, हुसैन अगर मस्जिद जाए तो प्यारा लगता है, हुसैन अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए प्यारा लगता है, हुसैन मक्के में घूमे तो प्यारा लगता है, हुसैन मदीने में चले तो प्यारा लगता है, फिर यही हसन और हुसैन अगर मुआविया की तरफ बैत करने जाएं तो तब भी प्यारे लगते हैं। और प्यारे क्यों ना लगे कि चलना नबी ने सिखाया है।
ये कोई बात है, मस्जिद की तरफ जाए तो तू कहे प्यारा लगता है, बाजार की तरफ जाए तो तू कहे प्यारा लगता है, अगर वो घर की तरफ जाए तो प्यारा लगता है, लेकिन यहाँ आके मलंग तुझे ब्रेक क्यों लग जाता है। यहाँ भी बोलना प्यारे लगते हैं कि जब दोनों भाई हजरत मुआविया के हाथ पर बैत करने के लिए जब जाते हैं तो खुदा की कसम सुन्नी कहता है कि अब हसन भी प्यारा लगता है, हुसैन भी प्यारा लगता है, क्यों ना लगे कि चलना नबी ने सिखाया है। अब पूछ जो दोनों भाई हजरत मुआविया की तरफ गए, तुझे भी प्यारे लगते हैं या नहीं? वो तुझे तो लगते हैं, तू उससे पूछ, उसका चेहरा ऐसा बन जाएगा जैसे मकरूह तहरीमी की तारीफ समझ आ जाए। वो इधर ब्रेक मारेगा, कहा तेरे यहाँ तो इमाम मासूम होता है और उससे कोई गलती नहीं होती। अब बता, दोनों भाइयों ने बैत की, इमाम माना, अमीर माना, खलीफा माना, फैसला सही था या गलत? तो कहते हैं कि अगर सही था तो फिर झगड़ा खत्म, और अगर कहता है सही नहीं था तो अकीदा मासूमियत खत्म, इस्मत का अकीदा फिर खत्म। इसलिए आ, फराग दिली का मुजाहिरा कर, अगर वाकई हसनी है, वाकई हुसैनी है, तो फिर हसन और हुसैन से मोहब्बत का तकाजा ये है, फिर उनके नक्शे कदम पर चल, फिर उनके अकीदे पे चल, फिर उनकी सोच पे चल, फिर उनके नजरिए पे चल, फिर उनकी सोच पर चल। चल अगर देखना है हुसैन नमाजें कितनी पढ़ते हैं तो आता है जवाब, पांच पढ़ते हैं। हुसैन कुरान कौन सा हिफ्ज किया है? कहते यही वाला कुरान हिफ्ज किया है। तो जरा देख ले, ये सारी सिफात जिसमें है, खुदा की कसम वही हुसैनी भी है, वही सच्चा हसनी भी है। अब जो ये गए हैं करबला की तरफ, प्यारे लगते हैं या नहीं? और अगर दोनों भाई जाएं हजरत मुआविया की तरफ तो प्यारे लगते हैं या नहीं? बोलो। तुमसे अगर कोई हजरत मुआविया रजी अल्लाह के बारे में ज्यादा बहस करे, उसको कहे बिल्कुल चुप होके बैठ, इसलिए कि मैंने वो दौर देखा नहीं, उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनको करीब से परखा नहीं, मैं तो हसनी हूं और हुसैनी हूं, मैं तो हसनी हूं। और देखो, बहुत से लोग वसवसे डालते हैं ना, वसवसे वाले तो बहुत हैं। तुम्हारे सोशल मीडिया में एक फुदुकनू आता है ज्यादा, वो मिर्जा इंजीनियर, जिसके बारे में कल मैंने कहा इंजीनियर नहीं है, प्लम्बर है। उसको इंजीनियर कहना ऐसा ही है जैसे खतना करने वाले को कोई सर्जन कहना शुरू करे। जो चक्का आता है सहाबा पर बात करता है। अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी वैसी बात करे, तुम्हें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं, तू कह मैंने वो दौर देखा नहीं, मैंने उनको देखा नहीं, मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन मैं हसनी और हुसैनी हूँ, बता इन दोनों भाइयों ने उनके हाथ पर बैत की है या नहीं की? अच्छा समझा था जब ही तो बैत की है, जिसको अच्छा नहीं समझा, हुसैन ने करबला में खानदान कटवा लिया, बैत नहीं करता, और जिसको अच्छा समझता है आगे बढ़कर दोनों भाई बैत भी कर रहे हैं। आज तुम्हें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं, ये चंद बातें इसको खाली याद करो, ये पॉइंट याद करो, अगर वहां कोई बात करता है तुम्हारे पास भी जवाब हो। सहाबा के बारे में बदगुमान ना होना, सहाबियत का शर्फ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप इससे अंदाजा करो, बाद वाले सारी जिंदगी सजदे में रहें लेकिन एक सहाबी के मकाम का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि सहाबी को वो शर्फ हासिल है, उसने चेहरे मुस्तफा को देखा है, उसने दीदार पैगंबर का शर्फ हासिल किया है, उसने नबी की वल्लैल वाली जुल्फें देखी है, उसने पैगंबर का बज़ुहा वाला चेहरा देखा होता है, सहाबी ने नबी का लम नशरा वाला सीना देखा होता है। आज लोग कहते हैं मौली साहब कोई वजीफा बता दें कि हमें नबी की ख्वाब
में ज्यारत हो जाए। मैंने कहा क्यों? कहता है जो ख्वाब में नबी को देखे वो बड़ा खुश नसीब होता है। मैंने कहा अगर जो ख्वाब में देखे तो वो खुश नसीब होता है, और जो बराह रास्त देखते थे वो कितने खुश नसीब थे। अभी कुछ लोग हज से आए हैं, पता नहीं आपके गांव में भी कोई हज से आया या नहीं। आप मिलने गए होंगे, आपने जाके उनसे गले लगे होंगे, हाथ चूमा होगा, पेशानी पे बोसा दिया होगा, आपने पूछा होगा कहां से आप, मदीना मुनव्वरा भी गए थे? हाजी कहता है हाँ जी मदीने भी गया था। अच्छा माशाल्लाह नबी का रोजा भी देखा? हाँ जी रोजा भी देखा। अच्छा गुम्बते खजरा देखा था? हाँ जी गुम्बते खजरा भी देखा। रोजे की जाली देखी या नहीं? कहता है जी रोजे की जाली भी देखी। तू फिर फरते जज्बात में आकर उसे गले लगाता है, हाथ चूमता है, पेशानी चूमता है, करीब खड़े हुए किसी ने तुझसे पूछ लिया भाई क्यों इसको इतना चूमता है? तू कहता है तुझे पता नहीं, ये इतना खुश नसीब है, इसने नबी का रोजा देखा, रोजे की जाली देखी, गुम्बते खजरा देखा। मैं बैठा हुआ सोच रहा होता हूँ ये 14वीं सदी का चिनियोट का मुसलमान ये खुश नसीब है, क्यों? इसने नबी का रोजा देखा, रोजे की जाली देखी, तो फिर वो कितने खुश नसीब थे जिन्होंने रोजा नहीं रोजे वाले को देखा था, जिन्होंने गुंबद नहीं गुंबद वाले को देखा था, और जिन्होंने जनाब जाली को नहीं जाली वाले को देखा था। इस हाजी ने तो नमाज पढ़ी है मस्जिद नबवी में शेख हुज़ैफी के पीछे, सहाबी वो खुश नसीब होता है और जिसने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी हो तो मोहम्मद अरबी के पीछे। वाह जी ये टाइट आदमी है, ये मौके पे नारे लगाने को समझने वाला आदमी है। क्या नाम है? अल्लाह तुझे अफजल बना दे, तेरी औलाद को भी अफजल बना दे, लेकिन ये फिर भी तेरा नारा नहीं समझे। इधर ब्रेक भी बहुत लगती है, कोई नहीं, उनको नारों की जरूरत ही नहीं है। जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनके लिए कुरान ने नारे लगा दिए, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उन्होंने नबी को देखा, खुश नसीब थे या नहीं थे? देखते तो सारे ही थे, लेकिन सहाबा कहते हैं तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है कि हम जलाल और जमाल की वजह से आंख भर के आका को नहीं देख सकते थे, बस यूं देखते नजर नीचे करते। हाँ, नबी मस्जिद में आते तो नबी अबू बकर उमर को देखते, अबू बकर उमर नबी को देखते, वो नबी को देख के मुस्कुराते, नबी उन्हें देख के मुस्कुराते, और मस्जिद में माहौल यूं बन जाता कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। खुश नसीब तो सारे हैं जिन्होंने नबी को देखा और वो देखते थे। और मैं एक जुमला कहा करता हूं उमूमन, कितने खुश नसीब हैं जिन्होंने नबी को देखा, बार बार देखा, बार बार देखा और कई बार देखा, बार बार देखा और कई बार देखा, फिर देखा, फिर बार बार देखा, फिर कई बार देखा। ये इतने खुश नसीब थे कौन 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 जिन्होंने बार बार देखा, कई बार देखा, फिर बार बार देखा, फिर कई बार देखा। यारों कितने खुश नसीब थे, और यार बार बार देखा और कई बार देखा, लेकिन इन खुश नसीबों में फिर वो कितना खुश नसीब था जिसने बार बार भी देखा, कई बार देखा और अकेले गार में देखा। और सब सहाबा ने यूं करके देखा, उसने झोली में यूं करके देखा, बाकियों ने जलवत में देखा, उसने खलवत में देखा, बाकियों ने सामने बिठा के देखा, उसने झोली में सुला के देखा। उसके तो कहने ही कुछ और हैं, उसकी तो बात ही कुछ और है। नबी का सरे अकदस उसकी झोली में है, है। तीन दिन नबी को झोली में सुलाया, रब ने कहा सिद्दीक बदला झुका दूंगा तेरा, तूने मेरे महबूब को तीन दिन अपनी झोली में सुलाया, मैं कयामत तक तुझे मोहम्मद के कदमों में सुला दूंगा। और झोली में नबी अलैहिस्सलाम का सर, सिद्दीक की झोली में,
मैं कई जगह एक बात कहता हूँ, असल में सिद्दीक का जो कुछ था ना नबी की झोली में डाला है, रेशम की दुकानें नबी की झोली में, अपनी बेटी निकाह करके नबी की झोली में, 5000 दिरहम नबी की झोली में, तबूक में ऐलान हुआ तो सारा घर नबी की झोली में, और सब कुछ छाप और सिद्दीक का नबी की झोली में डाल दिया। अब दुआ की होगी रब से, रब्बा मेरा जो कुछ था मैंने तेरे महबूब की झोली में डाला, अब मुझे भी तो कुछ दे। अब बदले में मिले सिद्दीक को क्या मिले? आसमान के तारे मिले तो उसकी वफा इतनी कि वो बदल बन नहीं सकते। हफ तकलीम की दौलत मिले तो सिद्दीक की वफा इतनी वो बदल बन नहीं सकते। तो रब भी रब है, रब ने माहौल बनाया, हिजरत नबी ने की, सिद्दीक साथ है, चले हैं गार में पहुंचे हैं, सिद्दीक की झोली फैलाई गई है, नबी का सर अकदस सिद्दीक की झोली में जब आया तो मेरा विजदान कहता है रब ने कहा होगा, सिद्दीक तेरा जो कुछ था तूने मेरे महबूब की झोली में डाला ना, मेरा जो कुछ था आज मैंने तेरी झोली में डाल दिया है। हाय हाय, गार में सिद्दीक की झोली में और मजार की तरफ जाते हुए सिद्दीका की झोली में, क्या खुश नसीब है, क्या बात है। नबी को लेके गए और कंधे पे बिठा के लेके गए। आज एक कहता है सिद्दीक खिलाफत ले गया, मैंने कहा खोती दे या छोटी चीज है उधर दे, नबी को ले गया है। तेरी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है, वो देख नबी को ले गया, ले गया कंधों पे बिठा के। आज तेरे सर पर अच्छी सी टोपी हो, लोग कहते हैं टोपी बड़ी प्यारी है, कहते हैं मुझ पर अल्लाह का एहसान है। तेरा घर अच्छा हो, कहता है यार मुझ पर अल्लाह का एहसान है। तेरे पास गाड़ी अच्छी हो, कोई कहे यार गाड़ी तेरी बड़ी प्यारी है, तू क्या कहता है मुझ पर अल्लाह का एहसान है। तवज्जो तवज्जो भाई, जिसको जो नेमत मिली है उस पर अल्लाह का एहसान है, लेकिन इस उम्मत में जो अंबिया के बाद सबसे अफजल है उस पर सबसे बड़ा एहसान है। अल्लाह ने कायनात बनाई, कोई एहसान नहीं जताया। नबी को पैदा किया तो फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़बास फीहिम रसूला, ये नबी तुम पर सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है। तो अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान वो मेरे नबी हैं। जरा तवज्जो कर, सिद्दीक कंधों पे बिठा के जब लेके जा रहा था तो किसी ने पूछा होगा सिद्दीक तुझ पर क्या है, तो उसने कहा होगा मुझ पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है, मुझ पर अल्लाह का। बाबा जो जितना बड़ा उस पर उतना बड़ा एहसान, इस उम्मत में तो सबसे बड़ा सिद्दीक, तो उस पर अल्लाह का सबसे बड़ा, बोलो ना, ना। इसीलिए तो हम कहते हैं दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर किसका, बोलो पहला नंबर किसका किसका। मुझे किसी ने कहा तुम अली का चौथा नंबर कहते हो, हम अबू बकर का कहें चौथा नंबर तुम्हें तकलीफ होगी? मैंने कहा नहीं होगी। कहते क्या मतलब, अबू बकर का चौथा नंबर भी मानते हो? मैं कहा एक लिहाज से चौथा भी मानते हैं। कहते क्या मतलब, बदल गए? मैं कहा बदले नहीं, हक नवाज वाले बदलते नहीं है, हक नवाज वाले। कहता अच्छा मान गए ना अबू बकर का चौथा नंबर? मैं कहा हाँ, लेकिन सुन, इस तरह मान गए कि पहला नंबर खुदा का, दूसरा मुस्तफा का, तीसरा बाकी अंबिया का, चौथा अबू बकर सिद्दीक का। कहता गलत फिर भी हुई हो गई, बात तो वही बनी। मैंने कहा पुत्र तू यहां से आ या वहां से आ, बात वही होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें, वक्त मेरे पास कम है, कि सहाबा वो खुश नसीब तबका है, चाहे वो सहाबा आले बैत में हो, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो बाहर वाले हो। भाई हसन और हुसैन भी सहाबी है या नहीं है? आज अगर हम सहाबा की सीरत बयान करते हैं
कोई कहे जी हसन हुसैन की क्यों नहीं, तो सहाबा में तो अबू बकर सिद्दीक भी हैं तो हसन हुसैन भी हैं। तो जब हम सहाबा की फजीलत बयान करते हैं तो तारीफ हसन की भी हो रही है, तारीफ हुसैन की भी हो रही है, तारीफ फातिमा की भी हो रही है, तारीफ अब्बास की भी हो रही है, तारीफ अली की भी हो रही है, तारीफ उमर की भी हो रही है। क्योंकि ये सारे सहाबा में शामिल हैं, आले बैत भी हैं, तो ये भी असल हैं तो सहाबा ना, क्योंकि सहाबी उसको कहते हैं जिस ईमान वाले ने नबी को देखा हो। जिसने हालत ईमान में नबी को देखा हो वो कौन, बोलो। अब ये कितने खुश नसीब हैं, जरा समझो, इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1200 से ज्यादा आयात कुरान में सहाबा की शान में नाजिल की है। मैंने अभी दिन में भी एक जगह कहा, सहाबा दुनिया में आए नहीं, अल्लाह ने उनका जिक्र पहले किया है। मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, कुरान कहता है ए नबी तेरे यारों की मिसाल तौरात में भी है, तेरे यारों की मिसाल इंजील में भी है। कि देखो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने कहा मैं यहां की हुकूमत और खिलाफत अपने प्यारों को दूंगा। हजरत मूसा मिस्र में थे ना, कहां थे? ऐसा सोच रहे जैसे चिनियोट में थे। बाबा हजरत मूसा को रब ने कहा यहां की खिलाफत और इमारत तो इमामत अपने प्यारों को दूंगा। हजरत मूसा ने बनी इसराइलियों को बताया कि अल्लाह यहां किसी को खिलाफत देगा और वो अल्लाह के प्यारे होंगे। बनी इसराइलियों ने कहा आप अल्लाह से दुआ करें ना ये सादत हमें मिल जाए। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह इस कौम को ये मिल जाए, ये कहते हैं। रब ने कहा होगा शक्ल देखी है इन्होंने, इनको दूं जिनको मैंने मन और सलवा दिया तो ना शुक्री करते थे, उनको क्यों ना दूं जिनके पेट पे पत्थर होगा और सजदे में सुभान रब्बी अल आला कहेंगे। इनको दूं जिन्हें तूने कहा था कौम अमालिका से लड़ने जाना है, इन्होंने कहा इधब अंत रब्बुक फकातिला इन्ना हाउना काइदून। ए मूसा इतनी लंबी तड़ंगी कौम है हम कैसे मुकाबला करें, आप जाए और आपका रब जाके लड़े। इनको दू, उनको क्यों ना दूं जो अपनी दौर की ताकतों से टकरा जाएंगे। कुरान कहता है सूरह आराफ में अल्लज़ीन यत्तबिउन अर-रसूल अन-नबीयल उम्मी, अल्लाह ने मूसा को कहा उस उम्मी नबी की इत्तबा करने वालों को यहां की हुक्मरानी दूंगा, यानी उस आखिरी नबी के इत्तबा करने वालों की को दूंगा। अब तवज्जो कर, अल्लाह ने बताया कि उस नबीउल उम्मी की इत्तबा करने वालों को यहां की खिलाफत और हुक्मरानी दूंगा, और ये इलाका फतह होता है हजरत उमर के दौर में। नहीं समझे हो, नहीं समझे हो, किसके दौर में? तो ये जो पेशन गोई नबी की इत्तबा करने वालों के लिए थी ये किसके हक में पूरी हुई? सहाबा के हक में। और उन सहाबा का उस वक्त अमीर कौन था भाई? मिस्र किसके इलाके में फतह, कौन से दौर में फतह हुआ? ये दौर खिलाफत उमर का। आज ये कहता है मैं उमर की खिलाफत को नहीं मानता, उसे कहे तू मान या ना मान, उमर पैदा भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने उसकी खिलाफत के फैसले पहले कर दिए थे, तुम्हें पता नहीं उमर कौन है। हाय हाय, देखो एक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फना फिर रसूल थे। हाय हाय, नबी जब मशवरे के लिए बैठते ना सहाबा से मशवरा लेते, जरा ये भी सहाबा की खुश नसीबी और अजमत देखो कि इमामुल अंबिया मशवरा ले रहे हैं सहाबा से। आज रायमंड में जो बुजुर्ग है ना, वो जो शूरा कमेटी है, तो लोग उसे देखते होंगे यार पूरी दुनिया में जो दीन का काम हो रहा है इन्हें सवाब मिलता होगा क्योंकि ये मुशवरे वाले हैं और शूरा कमेटी है, यहाँ से फैसले होते हैं नाफिज होते हैं तो सारी दुनिया में दीन फैल रहा है। ए अबू बकर उमर उस्मान वाली, ए नबी के यारो, तुम्हारी खुशकिस्मती पे सलाम हो कि पूरी दुनिया में मोहम्मद का दीन फैला है। तो नबी ने मशवरा जिनसे किया था उन्हीं को दुनिया सहाबा कहती है। और ऐसे ही नहीं किया था,
ऐसे ही नहीं मशवरा किया, बल्कि अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया था। कुरान में है कि वशाविरहुम फिल अम्र, मामलात में सहाबा से मशवरा किया करें, मशवरा किया करें। तो मुशावरत में जो बात होती, अच्छा इत्तेफाक के जो नबी के दिल में होता था ना, वो अबू बकर की जबान पे होता था। इतना फनाफिर रसूल थे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, इतने फनाफिर रसूल, जो नबी के दिल में वो अबू बकर की जबान पर। मौली साहब किसी मन चले ने अजीब बात की कि अबू बकर फनाफिर रसूल थे, जो नबी के दिल में वो अबू बकर की जबान पे, लेकिन उमर फनाफिल्ला था, जो लोए महफूज में रब का फैसला होता था वो उमर की जबान पे होता था। हाय हाय हाय, बदर के कैदी क्या करें, सब ने कहा छोड़ दे फिदिया लेके, उमर ने कहा कत्ल कर दें। लोहे महफूज से फैसला किसके हक में आया बोलो? औरतें पर्दा करने लग जाएं, ये मशवरा उमर ने दिया तो कुरान बन के आ गया। मकाम इब्राहिम पर नमाज, ये मशवरा उमर का था, तो वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला के अगर कुरान उमर की ताईद में आ गया। ये इतना फनाफिल्ला है। तो उमर अभी पैदा नहीं हुए, खिलाफत के फैसले पहले। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा ना कि उस नबीउल उम्मी की इत्तबा करने वालों को यहाँ की खिलाफत मिलेगी, तो बनी इसराइलियों के दिल में सहाबा का बुग्ज आ गया। ओए होए, अभी सहाबा पैदा नहीं हुए, कुछ किया भी नहीं, लेकिन देखो काले पहले जल टुकड़े पहले पैदा हो गए। अब इनके दिल में सहाबा का बुग्ज आया। मैंने दिन भी एक जगह कहा, बुग्ज़े सहाबा जब बनी इसराइलियों के दिल में आया ना, तो अल्लाह ने इनको दो सजाएं दी बनी इसराइलियों को। कितनी? किस जुर्म में? किस जुर्म में? सहाबा के बुग्ज़ की वजह से, क्योंकि कहने लगे ये क्या बात है, जो आए नहीं उनको मिलेगी यहाँ की खिलाफतें हुकूमतें, हमको नहीं। उनके दिल में बुग्ज आया। पहली सजा अल्लाह ने दी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे गए, सामरी ने बछड़ा बनाया, सारी कौम घोड़े की नहीं वो बछड़े की पुजारी बन गई और जानवर की पूजा करने लगी। पहली सजा बुग्ज़े सहाबा की ये मिली कि वो बनी इसराइल वाले जानवर को मौला बना बैठे। कोई आता उसको हाथ लगाता, कोई चावल पेश करता, कोई क्या करता, औरतें आके हाथ मारती, फिर पेट पे मारती कि यूं ब्लूटूथ से बच्चा होगा, और कोई क्या करता, कोई क्या करता, ये कोई नीचे से गुजरता, कोई उस बछड़े की पांचवी टांग से, पांचवी नहीं चार होती है, चौथी टांग से भी वो आप देखो तवज्जो नहीं करते भाई, वो जबान फिसलती है, वहां से गुजरता, फिर यूं होता सब कुछ। हजरत मूसा अलैहि सलाम जब आए तूर से 40 दिन बाद, कौम को देखा, मैं तुम्हें क्या छोड़ के गया था और तुमने क्या किया, जानवर के पुजारी बन गए। ये बनी इसराइलियों को पहली सजा मिली, किस जुर्म में? अब जरा सूरह बकरा उठाओ, मूसा अलैहि सलाम ने कौम को डांटा तो उन्होंने कहा अब सजा क्या है, अल्लाह ने कहा फक्तुलु अनफुसकुम, इनकी दूसरी सजा यह, इनको बोलो कि अब अपने आप को मारो, अपने को कत्ल करो। फिर तलवारें छुरियां लाए हैं और अपने आप को मारने लगे बनी इसराइली, और वो अपने आप को कत्ल करने लगे, अपना खून फिर निकालने लगे, और इधर बनी इसराइल वाले अपने पर तलवारें चला रहे थे, और उधर से फितरत हंसते हुए कह रही थी वो जिस दिल में बुग्ज़ सिद्दीक का फारूक का है, यही बेहतर वो सीना सदा पिटता रहे। ये सजा बनी इसराइल को मिली या नहीं? किस जुर्म में बोलो? ये सहाबा है जिनको अल्लाह ने नबी की रिफाकत के लिए चुना, चुन के मुंतखब किया, और जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया कि दुनिया को उनके ताबे बना दिया। बल्कि एक बात भी मैं अक्सर कहता हूं, तुम्हें पता है सहाबा कौन? इलाके फतह करते जा रहे हैं, आगे देखा तो पानी दरिया, पीछे अमीर साहब से पूछा, अमीर साहब आगे पानी क्या करें?
कहा जाओ, जो रब यहाँ खुशकी में हमारे घोड़े चला सकता है वो वहां भी चला सकता है। मुझे किसी ने कहा साइंस ने बड़ी तरक्की की है। मैंने कहा क्या तरक्की? कहते हैं देखो ना, चाइना ने समंदर पे 100 किलोमीटर लंबा पुल बनाया है, नीचे पानी ऊपर गाड़ी। तो मैं कहा अगर पुल ना हो तो फिर? कहते हैं मौली साहब पुल ना हो तो दमादम मस्कल अंदर, गाड़ी पानी के अंदर। तो मैंने कहा ये कौन सी तरक्की है? तो कहते क्या मतलब, बगैर पुल के भी क्या समंदर पे पानी पर भी सवारी चलती है? मैंने कहा तुम्हारी तरक्कियां जहां खत्म होती हैं, मैं जिनका नाम लेता हूं उनकी तरक्कियां वहां से शुरू होती हैं। कहते क्या मतलब, बगैर पुल के भी पानी पर सवारी चलती है? मैंने कहा हाँ, नबी के यारों को देख जरा, वो देख समंदर पर दरिया पर घोड़े भगाते हैं और ऐसा भगाते हैं कि दश तो दश दरिया भी न छोड़े, हमने बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लाओ ऐसी तरक्की। मैं इस मौके पर खतीबाना नुक्ते कुछ कहता हूं कि मैंने तसव्वुरात में जाकर दरिया से पूछा कि तुझ में बड़ी गहराई है, जो आता है डबो देता है। कहता है हाँ अनफी साहब, तैरना नहीं आता तो नहीं आना, वरना डबोऊंगा, छोड़ता नहीं हूं। मैं कहा जो आता है डबोता है? कहते हैं हाँ, मुझ में बड़ी गहराई है, मुझे अपनी गहराई पे बड़ा नाज है। मैंने कहा उनको क्यों नहीं डबोया था? नहीं समझे हो? किनको? किनको? मैंने कहा उनको क्यों नहीं डबोया? तो दरिया बिफर के कहता है अनवी साहब मेरी गहराई को देख रहे हो और असहाबी कन नुजूम उन सितारों की बुलंदी को नहीं देख रहे, इतनी बुलंदी को थोड़ी डबो सकता हूं भाई। जिन्हें नबी ने आसमान के सितारे कह दिया हो इतनी बुलंदी को मैं डबो, मेरी गहराई की हकीकत ही क्या है? ये तो कोई और इधर उधर से आएगा उसे यूं डबो के रखूंगा। जो आसमान के सितारे हो इतनी बुलंदी को कैसे डबो? तो मैंने कहा अच्छा, फिर एक सवाल है, सहाबा के घोड़ों के पांव के खुर वो तूने आधा एक इंच क्यों गीला किया, वो क्यों डबोए, उनको क्यों तर किया? तो वो आगे से दरिया कहता है सहाबा के घोड़ों के खुर जो एक आध इंच डूबे वो डूबने के लिए नहीं थे, असल में बल आदियाती जबहा बल मूरियाती कदहा बल मुगीराती सुबहा। असल में अल्लाह ने सहाबा के घोड़ों की कसमें कुरान में खाई थी, उनके घोड़ों के पांव चूमने के लिए किए थे। और ये डूब भी कैसे सकते हैं कि कश्तियां अपनी साहिल पे लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं? जिन्हें हालात के झमेलों में भंवर से बचाने को चलने का तरीका नबी ने सिखाया हो वो डूब सकते, डगमगा सकते, गुमराह हो सकते? ये हैं सहाबा, ये हैं नबी के यार जानिसार वफादार, जिन्होंने उस नबी को देखा है कि जिसको रब ने कायनात का हुसन दिया है। हाय हाय, इसीलिए तो सहाबा किसी दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं करते, दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में नहीं थी, क्योंकि नबी की मोहब्बत थी ना। जब इलाके फतह करते जा रहे थे ना तो रूमियों ने सोचा इनके पेट पे पत्थर होते हैं, इनकी तलवारों पे चीथड़े होते हैं, फिर भी हम जैसी ताकतों को जेर कर देते हैं, मार देते हैं। तो उनके पादरियों ने कहा इनका रब इनसे राजी है, उसे किसी तरह इनसे नाराज करवा दो, जब इनका रब नाराज होगा फतह खत्म हो जाएगी। का तरीका क्या है? का भी 10,000 के लश्कर ने हमारे इलाके से गुजरना है, रास्ते के दोनों तरफ उरियानी लिबास में लड़कियों को खड़ा कर दो, नजरें पड़ेंगी तो जब देखेंगे बदनजरी होगी तो गुनाह होगा, गुनाह होगा, इनका रब नाराज होगा, नाराज होगा तो ये फिर फाते नहीं बन सकते, इन्हें शिकस्त होगी। का बहुत
अच्छा तरीका है। रास्ते के दोनों तरफ लाइन से और यानी लिबास में लड़कियों को खड़ा कर दिया। इधर सहाबा को पता चला आगे ये साजिश की गई है। अमीर लश्कर ने हमारी तरह लंबी तकरीरें नहीं की, एक आयत पढ़ी, वकुल लिल मोमिनीन यगुज़ु मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कहो अपनी निगाहें नीचे करके चले। चुनाचे 10,000 का लश्कर गुजरा, एक ने भी नजर उठाकर नहीं देखी, एक ने भी किसी गैर महरम को नहीं देखा। उनकी जो लड़कियों की हेड थी, जो बड़ी थी, सर पे दुपट्टा पहनकर चीखने लगी, हाय ये इंसान है या फरिश्ते हैं? क्या हमारी खूबसूरती नहीं थी, हम में हुसन नहीं था, इन्होंने हमें क्यों नहीं देखा? तो किसी कहने वाले ने उससे कहा कि हसीन तो तुम बहुत हो, तुम्हारा हुसन भी है, लेकिन क्या करें, इन आंखों ने मोहम्मद का हुसन देखा है, और जो आंख मोहम्मद का हुसन देख ले फिर कोई जमाल जमाल नहीं लगता, कोई हुसन हुसन नहीं लगता। कि इन आंखों में तो मोहम्मद का हुसन है, हाय हाय तुम समझे नहीं हो, इन आंखों में नबी की तस्वीर है। यार देखो, जब कोई किसी के सामने होता है ना, तो कभी गौर से देखना उसकी आंखों में तेरी तस्वीर आ रही होगी, लेकिन तेरी आंख में किसकी तस्वीर आ रही होगी? जो सामने बैठा है। नहीं समझे मैं कहां जा गया, मैं कहां पहुंच गया? सहाबा नबी के सामने बैठे हैं, नबी की आंखों में सहाबा की झलक, सहाबा की आंखों में नबी की झलक, और जिनकी आंखों में मोहम्मद की तस्वीर हो उसे दुनिया सहाबा कहती है। जो अपनी आंखों में हुस्न मुस्तफा को बसा चुके हों इसे सहाबा कहते हैं। तुम समझो कि क्या खुश नसीब हैं जिन्हें रब ने नबी की रफाकत के लिए चुना। ये कितने खुश नसीब हैं, किसी से हाथ मिलाया, नबी के हाथ के साथ हाथ उनका टच हुआ, हुसैन को गले से लगाया, उनके सीने के साथ नबी का सीना टच हुआ, मुआविया को अपने साथ बिठाया, मुआविया का पेट नबी की पीठ से टच हो रहा है, नबी से ये गले मिलते थे, नबी के साथ सफर करते थे, नबी के साथ हजर में होते थे, जो हर वक्त नबी के साथ रहते थे वो कौन? और आज भी सारे सहाबा की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं नबी के साथ, वो आज भी नबी के साथ सो रहे हैं, और ऐसे सो रहे हैं। ये कुरान, इस कुरान को रब ने दो गद्दों के दरमियान महफूज किया है, और साहिब कुरान को दो सच्चों के दरमियान महफूज किया है। ये आज भी है नबी के साथ सोए हुए। आज कोई बदबक कहे कि हमारा एक आएगा गार से, वो अबू बकर उमर को कब्रों से निकालेगा, नाउज़ बिल्ला, तुम्हारा बाप भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि नबी ने फरमाया मैं अबू बकर उमर कयामत में यूं साथ उठेंगे। अब जब नबी ने फरमा दिया तो कयामत तक ये नबी के साथ होंगे, कयामत तक ये नबी के। बोलो, मैंने रात चिनियोट के जलसे में भी कहा ये नबी के साथ है, महफूज है, जिस्म भी सलामत, और ये खराब नहीं है, ये गलत नहीं है, ये हो भी नहीं सकते खराब। बादशाह ने ख्वाब देखा, यूसुफ अलैहि सलाम ने ताबीर बताई, 7 साल कहत होगा, 7 साल खूब बारिश होगी, बारिश के दिनों में खूब गंदम काश करो ताकि बाद के 7 सालों में काम आए। किसी ने कहा यूसुफ 7 साल में गंदम खराब नहीं होगी? हजरत यूसुफ ने फरमाया गंदम को खोशे में रहने दो, गंदम खोशे में रहे तो वो खराब नहीं होती। मैंने कहा गंदम अगर खोशे में हो उसे कुछ नहीं होता, तो हमदम नबी के साथ रोजे में हो तो उन्हें भी कुछ नहीं होता।
अगर गंदम खोशे में है तो वो महफूज है, और हमदम अगर रोजे के खोल में नबी के साथ है और वहां है जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते सलातो सलाम पढ़ने आते हैं, जिन जालियों के पीछे जन्नत है और वो जन्नत का टुकड़ा है जहां मेरे नबी दफन है, ये जन्नत का टुकड़ा है जो नबी का रोजा है, और जो नबी का रोजा है वो जन्नत का टुकड़ा है। ओ भाई जो जन्नत का टुकड़ा है वही तो नबी का रोजा है, और जो नबी का रोजा है वही तो जन्नत का टुकड़ा है। अब जो जन्नत का टुकड़ा नबी का रोजा है, यही तो मेरी माँ आयशा का घर है। यही तो मेरी माँ आयशा का, बल्कि मैं जोक में कहता हूँ, ये आयशा का घर जन्नत का टुकड़ा है या नहीं? जिस जिस का सीधा है वो बोले है या नहीं, है या नहीं? मौली साहब ने जुमे में बयान किया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। बंदा जुमे के बाद गया अपनी माँ के कदमों में नीचे देख रहा है, वापिस आ गया, मौली साहब आपने कहा जन्नत माँ के कदमों के नीचे, वहां तो जूती नजर आ रही थी, वहां तो नीचे चटाई नजर आ रही थी। मौली साहब ने कहो पागल, जन्नत माँ के कदमों के नीचे मतलब ये होता है माँ की खिदमत कर तो जन्नत मिलती है, माँ की इज्जत कर जन्नत मिलेगी, माँ का एहतराम कर, माँ को मोहब्बत से देख, हज उमरे का सवाब मिलेगा, तुझे जन्नत मिलेगी। ये हकीकी जन्नत थोड़ी है कदमों के नीचे। मैं कहीं खड़ा हुआ था, मैंने कहा क्या कंफ्यूजन है, क्या परेशानी है? कहते मौली साहब ने कहा था जन्नत माँ के कदमों के नीचे, मैं समझा वो नजर आती है, हिस्सी जन्नत है, लेकिन वो तो कहते खिदमत करो तो जन्नत मिलती है। मैंने कहा मैं तुझे एक ऐसी माँ बताता हूं जो अपने घर पे खड़ी होती थी तो जन्नत कदमों के नीचे नजर आती थी। नहीं समझ आई? वो अपने घर पे खड़ी होती थी तो जन्नत कदमों के नीचे लगता यूं है अली सामने हो, और आयशा अपने घर पे खड़ी हो तो नबी फरमा रहे अली जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ये मेरी माँ आयशा का घर, ये जन्नत का टुकड़ा है। जब अपने घर पे खड़ी होती थी जन्नत आयशा के कदमों के नीचे नजर आती थी। और आज कोई जालिम कहे कि अबू बकर और उमर जन्नती नहीं है, और जालिम के बच्चे लोग तो दुनिया में हिसाबों किताब आखिरत में करके जन्नत में जाएंगे, अबू बकर उमर तो वो है अभी कयामत आई नहीं जन्नत में पहले चले गए हैं, जन्नत में। बल्कि आज कहते हैं अबू बकर जन्नती नहीं। मैंने कहा खोती दिया गल सुन, बात ये है कि ये जन्नत का टुकड़ा नबी का रोजा ये मस्जिद नबवी में है, और मस्जिद नबवी की जमीन अबू बकर सिद्दीक के पैसों से खरीदी गई है। अबू बकर के पैसों से ये जन्नत का टुकड़ा यानी मस्जिद नबवी खरीदी गई है, और इसी में ये जन्नत का टुकड़ा है। तू कहते अबू बकर जन्नत नहीं जन्नती नहीं, मैंने कहा जन्नत तो खरीदी ही अबू बकर के पैसों से गई है, और इसी जन्नत में आराम फरमा रहे हैं, और इसी जन्नत से इंशाअल्लाह कयामत में नबी के साथ उठेंगे। अल्लाह हमें वो जन्नत बार बार देखने की तौफीक अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह हमें बार बार उस जगह जाने की तौफीक अता फरमाए। आओ मेरे दोस्तों, साहबों वाले बैतों हमारे ईमान का हिस्सा है, साहबा के बारे में कोई बदगुमानी किसी के दिल में ना आए, क्योंकि साहबा तारीखी शख्सियात नहीं है, कुरानी शख्सियात है। इनका एहतराम, इनका इनकी इज्जत ईमान के बचाने की गारंटी है, और अगर इनके बारे में बदगुमानी आई तो ये दर हकीकत नबी के बारे में बदगुमानी है। इसलिए आओ इनकी इज्जत और नामूस का फुरेरा लहराएं, और ये कहते हुए आए कि फना फिल्ला की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم
ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मुसलमानों को इज्जतें अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो दुनिया से रुख्सत हुए उनकी बख्शिश फरमा, करबला के शुहदा को हमारी तरफ से बेहतर जज़ाए खैर नसीब फरमा, हजरत हसनैन को या अल्लाह मजीद उनके दरजात को बुलंद फरमा, हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा, इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही।